लॉर्ड हालेलुया ये समय है वास्तविकता संग्रह का। आज दिन बुधवार दिनांक 8। आज का टाइटल है अपने कुओं को साफ रखो। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको फिलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय 15वां वचन। कल हमने आप में उद्धार के कुएं के बारे में सीखा। हर कुएं की तरह आपके अपने कुएं को बंद होने से रोकना है। पुराने नियम में बाइबल के दिनों में यह सामान्य बात थी कि परमेश्वर की संतान के शत्रु उनके कुओं को बंद कर देते थे और उन्हें पानी भरने से रोक देते थे। वचन लिया गया है उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय 15 से 18 वचन। जैसे शत्रुओं ने कुओं को बंद कर दिया, वैसे ही शैतान कड़वाहट, झूठ और बुरी आदतों के द्वारा परमेश्वर के लोगों में उद्धार के कुओं को बंद करने की कोशिश करता है। आपको यह होने नहीं देना चाहिए। कैसे? यह नियमित मनन के द्वारा परमेश्वर के वचन में बने रहने और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने के द्वारा है। इसी तरह से आप अपने कुओं को साफ रख सकते हैं। वचन अध्ययन के लिए पढ़ सकते उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय 15 से 18 वचन। अपने हाथों को स्वर्गीय और उठाकर आंखों को बंद करके मेरे पीछे घोषणा करेंगे। धन्यवाद पिता, क्योंकि जैसे ही मैं आत्मा में चलता हूं और आपके प्रेम को मेरे द्वारा बहने देता हूँ, वैसे ही उद्धार का मेरा कुआ साफ और खुला बना लेता है। यीशु के नाम में आमेन। थैंक यू। बाय। गॉड ब्लेस यू।